मुरादाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी से पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने सभी नगर वासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। विनोद गुंबर ने लोगों से अपील की है कि वे नवरात्र के पर्व पर मां काली का आशीर्वाद लें, पूजा अर्चना सद्भाव के साथ करें। उन्होंने कहा कि नवरात्र पर भगवान हमारी भक्ति लीला से प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने माह रमजान पर भी लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, लोग इस महीने में इबादत करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और प्रेम मोहब्बत सद्भाव के साथ हर पर्व को मनाएं। मुरादाबाद के सभी धर्मों के सभी भाई बहन, बुजुर्गों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को पवित्र नवरात्रि के अवसर पर माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, शैलपुत्री मैया, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघटा माता, पशुमंडा माता, स्कंद माता, कतायनी माता, कालरात्रि माता, भागवती माता, सिद्धि दाता के चरणों में नमन करता हुआ प्रणाम करता हूँ और आप सबके लिए बाबा मैया के चरणों में विनती करता हूँ। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती आपके घर पे, आपके कारोबार पे निवास करें। हम सब मिलकर इस नवरात्र पवित्र नवरात्र को बहुत अच्छी तरह बनाए, मन भेद मतभेद को मिटाकर व्रत रखें। जब व्रत रखेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे अंदर की जो भावना है वे अच्छी रहेंगी। पुनः अपने भाइयों को, बहनों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को और बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम जो राजनीति हम जो लोग कर रहे हैं उस राजनीति में एक स्लोगन है, कर्म ही पूजा है, उसका आशीर्वाद मिलेगा और उसके पथ पर हम चलेंगे, ऐसी मेरी कामना है। उधर हमारे मुस्लिम समाज में पवित्र रमजान शुरू हो गए और ये मेह रमजान तो वो है जिसे हर मुसलमान जब ईद आती है तो सोचता है कि अगले रमजान कब है, पूरे वक्त की नमाज पढ़ना, अल्लाह अल्लाह करना, ये भी एक बहुत अच्छा पैगाम है। मैं सभी दिल की गहराइयों से कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों को, बहन, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को, तो सभी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जिस दुआओं के साथ आपकी मस्जिद में हाथ उठ रहे हैं, ऊपर वाला आपकी हर मुराद पूरी करे, आपके घर में सुख शांति रहे।